नमस्कार, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर एंड सीईओ gogoeven.com। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे रेट्रोफिटिंग मतलब क्या एंड रेट्रोफिटिंग में किस मेथड से रेट्रोफिटिंग होता है। इलेक्ट्रिकली जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं और उस कन्वर्जन में क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम बेनिफिशियल है आज इंडिया में जितने व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, यूज़र के लिए, कंट्री के लिए एंड नेचर के लिए। तो दोस्तों, बेसिकली अंडरस्टैंड पहले करते हैं कि रेट्रोफिटिंग मीन्स क्या। रेट्रोफिटिंग मीन्स जो मैन्युफैक्चरर ने व्हीकल को बिल्ट करके दिया है और उसके बाद में कस्टमर ने परचेस करने के बाद में कुछ चीज़ें अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसको रेट्रोफिटेड कहा जाता है, रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिकली व्हीकल को कन्वर्जन करते हैं तो तीन टाइप का फिटिंग उसमें हो सकता है, तीन टाइप का कन्वर्जन हो सकता है। पहला आता है फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, मीन्स फुल्ली इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग कन्वर्जन। तो जिस सिस्टम में इंजन रिमूव होके उसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन लग जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है, तो उस सिस्टम को फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कहते हैं। सेकंड आता है हाइब्रिड रेट्रोफिटमेंट। हाइब्रिड रेट्रोफिटमेंट में आपका इंजन, इंजन के साथ में एक मोटर लगता है और ये दोनों सिस्टम एट ए टाइम वर्क करती हैं, जिससे इंजन पे आने वाला लोड मोटर पे कुछ शिफ्ट हो जाता है, मतलब इंजन का एफिशिएंसी और बढ़ जाता है, तो उसमें आपको एवरेज बढ़ेगा। इसमें सिंगल मोड पे आप यूज़ नहीं कर सकते, दोनों एट ए टाइम आपको ड्राइव करना होता है। थर्ड आता है कि जिसमें आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इस टाइप के रेट्रोफिटिंग में आप इधर इलेक्ट्रिक मोड पे व्हीकल को चला सकते हैं या फिर आप फ्यूल मोड पे चला सकते हैं। तो जैसे अभी इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, तो जहाँ पे समझो रेंज का लिमिटेशन है या बहुत लंबा ट्रैवल करना है, नॉन स्टॉप ट्रैवल करना है, जहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब तक बैटरी है, बैटरी पे चलाए, बैटरी खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पे चला सकते हैं। एंड gogoeven.com के जो किट्स है ड्यूअल मोड रेट्रोफिट के, तो उसमें आपको इंजन पे जब आप ड्राइव करते हो तो मोटर जनरेशन करता है, पावर जनरेशन करता है और वो अगेन बैटरी को चार्ज करता है। मतलब थर्ड ऑप्शन में आपको नॉन स्टॉप कहीं पे भी प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 100 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया इलेक्ट्रिक मोड पे, देन 100 किलोमीटर आप पेट्रोल पे चला रहे तो अगेन बैटरी फुल चार्ज हो सकती है एंड फिर से आप 100 किलोमीटर बैटरी पे ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों टाइप के रेट्रोफिटिंग्स आते हैं। दूसरी बात, अभी ये रेट्रोफिटिंग कैसे बेनिफिशियल है, तो उसमें आज के डेट में नया व्हीकल लेना और रेट्रोफिटिंग व्हीकल, ये दोनों में कौन सी चीज़ करना, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन हमारे पास होता है कि फिर रेट्रोफिटिंग में खर्चा करने से, पुराने गाड़ी पे खर्चा करने से हम नया ही गाड़ी क्यों ना लें। बट दोस्तों, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इंडियन मार्केट में वही व्हीकल्स सक्सेसफुल होते हैं जिनके आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, सर्विसेज इजीली अवेलेबल होती है, एंड वो व्हीकल अगर इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन यूजर के माइंडसेट के हिसाब से स्टडी बना हुआ है तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिन जो कंपनियां काम कर रही है या जो मॉडल्स इंडिया में हैं, एक तो इधर यूनिक मॉडल्स है या फिर चाइना से इंपोर्ट हुए मॉडल्स है। यूनिक मॉडल्स होने की वजह से एक कंपनी कभी भी ऑल ओवर इंडिया में अपने स्पेयर पार्ट सप्लाई सर्विस का सपोर्ट नहीं दे सकती है, उसके लिए आफ्टर मार्केट या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सर्विस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हीकल इंडस्ट्री में। इसीलिए नए व्हीकल्स में जब सर्विस इश्यूज आते हैं तो वो जब डीलर पे डिपेंड रहता है, तो डीलर के पास स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी होना या फिर सिलेक्टेड डीलर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे डे टू डे यूज में लोगों को चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर रहे हैं, उसके साथ में बंद भी कर रहे हैं। लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खुशी खुशी ले लेते हैं बट एक डेढ़ साल बाद वो परेशान होकर उसको साइड में रख देते हैं। इसके पीछे का रीज़न ही वही है कि आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड सर्विस अवेलेबिलिटी। इसीलिए आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है जिसके स्पेयर पार्ट सब जगह पे अवेलेबल है, उसका ऑलरेडी सर्विस कहीं पे भी अवेलेबल है, देन वो व्हीकल स्टर्डी है, सक्सेसफुल है, ऑलरेडी इंडियन रोड कंडीशंस पे टेस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी वो व्हीकल्स यूज़र के माइंडसेट के लिए परफेक्ट है, ब्रांड्स उसके अच्छा है, तो ये सभी एडवांटेज हम लोग कन्वर्जन में ले सकते हैं, रेट्रोफिटिंग में ले सकते हैं। जब रेट्रोफिटिंग करते हैं तो एग्जिस्टिंग व्हीकल को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो व्हीकल है, मतलब उसका सिर्फ आपने इंजन को रिप्लेस किया, बाकी व्हीकल जो है वो कंप्लीट एज इट इज व्हीकल है। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि व्हीकल एग्जिस्टिंग है
और एग्जिस्टिंग व्हीकल के ऊपर दोबारा अगेन वो पार्ट्स बनाने में खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो गया। कंपेयर टू इलेक्ट्रिक एंड रेट्रोफिटेड व्हीकल के प्राइस के बारे में अगर देखेंगे, तो जनरली व्हीकल में नॉर्मल व्हीकल जब हम लोग फ्यूल वाला व्हीकल परचेस करते हैं तो वहाँ पे हमारी धारणा यही होती है कि हम व्हीकल का कॉस्ट कंसिडर, हमारे माइंड में व्हीकल का कॉस्ट होता है। बट जब कोई भी व्हीकल को हम रन करते हैं तब उसके दो कॉस्ट होते हैं, एक तो व्हीकल का परचेस कॉस्ट होता है एंड सेकेंड कॉस्ट है उसका रनिंग कॉस्ट यानी फ्यूल कॉस्ट। नॉर्मल व्हीकल का प्राइस अगर हम बोलेंगे, एक स्प्लेंडर का प्राइस तो आप बोलोगे 90,000 का होता है, बट 90,000 ओनली व्हीकल का कॉस्ट है। ओवर द पीरियड एक 5 साल का कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो 5 साल के टाइम में, 5 ईयर्स के स्पैन में हर टू व्हीलर यूजर एवरेजली 3 to 3.5 लाख रुपीज स्पेंड करता है, जिसमें व्हीकल प्लस फ्यूल 3 to 3.5 लाख रुपीज उसका कॉस्ट जाता है। मतलब 5 ईयर्स के पीरियड का कॉस्ट डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 5 ईयर्स करें तो अराउंड 70,000 रुपीज पर ईयर का उसका व्हीकल प्लस फ्यूल कॉस्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक में जब लोग परचेस करते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं या फिर उसको खरीदना चाहते हैं, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलवेज विद बैटरी आता है। जब विद बैटरी आता है मीन्स विद फ्यूल आता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट कंसिडर करते समय नॉर्मल व्हीकल का कॉस्ट आप सिर्फ व्हीकल का करते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस बैटरी का यानी प्लस फ्यूल का करते हो, तो वहाँ पे ऑल टुगेदर कॉस्ट जो है नॉर्मल व्हीकल एंड फ्यूल के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फ्यूल ये कॉस्ट 30% ही आता है। मतलब या जहाँ पे आपको 3 to 3.5 लाख रुपीज 5 ईयर का स्पेंड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको अराउंड 1 लाख 1 लाख 20,000 1 लाख 50,000 में ही आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 30% कॉस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको आता है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, बट सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज ना होने की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है। दूसरी बात, जब अभी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रेट्रोफिटेड व्हीकल इसकी भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे 80% आपको रिलीफ मिल जाता है कन्वर्जन में कि आपको स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी 80% पार्ट्स की अवेलेबल है, बचते आपके थोड़े से पार्ट जैसे मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, बैटरी एंड चार्जर। तो इन पार्ट्स का सर्विस जो भी रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स हमारे हैं या फिर जो लोग एसोसिएट है वो लोग उसके लिए एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है कि इन पार्ट्स को सर्विस देना, रिपेयर करना, और इमिडिएटली वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको सर्विस दी जाती है। सेकंड, जहाँ जहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजीज है वहाँ पे आपको सर्विस पार्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कोई सपोज मोटर में प्रॉब्लम आ गया या कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ गया तो टाइम बीइंग आपको दूसरा पार्ट इमिडिएटली रिप्लेस करके वो आपको सर्विस पार्ट दे के आपका काम रुकता नहीं है, आपका व्हीकल रुकेगा नहीं। देन जब दो पार्ट रिपेयर हो जाएगा तो आप अगेन रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब सर्विस का इशू हमने पहले सॉल्व कर दिया। दूसरी बात, व्हीकल स्टडी है तो वो यूज करने में आप लॉन्ग लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज रेट्रोफिटिंग का ये आता है कि अभी इलेक्ट्रिक न्यू व्हीकल एंड रेट्रोफिटेड व्हीकल, इसमें अगर कॉस्ट कंपैरिजन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंप्लीट व्हीकल का प्राइस जाता है और रेट्रोफिटिंग का प्राइस जाता है, तो इसमें ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। मतलब फ्यूल व्हीकल के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूडिंग फ्यूल 30% कॉस्ट में ही आ रहा है, और उसमें भी रेट्रोफिटिंग जो होता है ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट में ही होता है। मतलब फ्यूल व्हीकल के कंपैरेटिवली रेट्रोफिटमेंट 15 to 20% कॉस्ट में ही होता है। अभी ये 15 to 20% कॉस्ट में क्या क्या रिप्लेस होता है, तो उसमें आपका अगर फुल्ली कन्वर्जन है तो इंजन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर आ जाता है, मोटर व्हील के अंदर फिट है, मतलब पीछे का पूरा व्हील आपका चेंज हो जाता है, जो इंजन की जगह खाली हो जाती है वहाँ पे बैटरी पैक इंस्टॉल होता है और वो बैटरी पैक के थ्रू मोटर रन किया जाता है। मतलब व्हीकल का वेट कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है। देन व्हीकल का वेट कम होने के वजह से आपका जो व्हीकल का लोडिंग कैपेसिटी है वो उतना बढ़ गया, तो ये दो एडवांटेज वहाँ पे हो गए। तीसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि व्हीकल स्टर्डी है, कोई भी कंडीशन में आप चला सकते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन में भी आप उसे चला सकते हैं, ऑलरेडी यूज टू है उसके लिए, और व्हीकल भी उतना परफॉर्मेंस देने वाला है या उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बिल्ट हुआ है। तीसरा एडवांटेज ये आता है कि जब रेट्रोफिटिंग करते हैं तो ब्रांड जो है वो आपके चॉइस का ब्रांड है, क्योंकि आप आज जो व्हीकल यूज करें वो आपका चॉइस का व्हीकल है और वही व्हीकल आपके पास में रहता है। सिंपल एग्जांपल लेंगे, आज बुलेट जो यूज करता है तो बुलेट अगर किसी को बोलेंगे कि ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज करो, उसमें आपका बेनिफिट होता है, आप पैसा बचा सकते हैं या आप
कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे, नेचर के लिए अच्छा काम करेंगे, क्या वो लोग इमीडिएटली तो बुलेट वाला अपनी गाड़ी को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेगा? तो और अगर हम उसे इलेक्ट्रिक कन्वर्ट एग्जिस्टिंग व्हीकल वही बुलेट को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके आरटीओ में रजिस्टर करने का ऑप्शन देते हैं तो वो ऑलवेज रेडी है। तो कन्वर्जन का मेन बेनिफिट ये हो गया कि आपका कॉस्ट तो कम हो जाता है, कम खर्चे में काम हो जाता है, व्हीकल स्टडी है, यूज टू है, ब्रांड आपके पास जो है वही ब्रांड आपके पास में रहता है। तो इसी तरीके से कन्वर्जन करना, इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट करना, ये ऑलवेज बेनिफिशियल है और जिससे आप ओवर द 5 ईयर के पीरियड में 85% कॉस्ट को भी सेव कर सकते हैं एंड प्लस कंट्री के लिए भी फ्यूल जो 5 साल में आप यूज करने वाले हैं वो इम्पोर्ट को भी रोक सकते हैं एंड नेचर के लिए भी आप उतना पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं।